अस्सलाम वालेकुम बायोलॉजी फोर क्लास नाइन्थ वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक सेंट्रियोल्स पेज नंबर 65। एनिमल्स एंड मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव होलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल्स नोन एज सेंट्रियोल्स। होलो एंड सिलेंड्रिकल। ईच सेंट्रियोल इज मेड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। कैसे मिलके बनते हैं 9 ट्रिपलेट्स। बच्चों ये आप इधर नीचे देख सकते हैं, उन्होंने इमेज शो किया हुआ है 9 ट्रिपलेट्स, यानी कि हर सेट 3 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनता है। और कितने सेट होते हैं? पूरे 9 सेट होते हैं, यानी कि 9 ट्रिपलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स। अच्छा ये जो उन्होंने ये साइड पे इमेज शो किया है, ये सिर्फ सामने से उन्होंने शो किया हुआ है, ये सिर्फ डॉट्स नहीं है, पीछे पूरी ट्यूब्स हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा इनका काम क्या होता है और ये कहाँ पर पाई जाती हैं? एनिमल सेल्स हैव 2 सेंट्रियोल्स लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सर्फिस ऑफ द न्यूक्लियस। बच्चों ये न्यूक्लियस के ना बिल्कुल साथ मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, साइटोप्लाज्म में होते हैं और न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ होते हैं। और जब माइटोसिस और मियोसिस आप इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, उसके दौरान जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन कर जाती है, तो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसको मेनटेन करने में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर फ्लोएड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। सेल हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। बहुत सारे वैक्यूल्स हो सकते हैं किसी भी सेल के अंदर, लेकिन जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर जो मेच्योर वैक्यूल्स स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं और फिर एक सिंगल लार्ज वैक्यूल बना लेते हैं जो कि उनके सेंटर में पड़ा होता है, उनके सेल के सेंटर में। जैसे हमने एनिमल सेल में देखा था कि सेंटर में न्यूक्लियस था, तो प्लांट सेल के सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता, उनमें वैक्यूल होता है, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर अपने अंदर लाइसोसोम को सिक्रीट करके फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे हमने लाइसोसोम के टॉपिक में पढ़ा कि वो फूड की ब्रेक डाउन में इंपॉर्टेंट रोल उनका होता है।